हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिशास ब्लॉग मिक्स। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं बहुत कुछ काम एक साथ करती रहती हूँ एक्चुअली, तो आज का दिन भी मेरा बहुत बिजी होने वाला है। तो क्या क्या मैं करती हूँ आज, शायद आप लोगों को मेरे बारे में दो और चीज़ें पता लगेंगे। तो देखते रहिए आप लोग भी, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, देखते रहिए। तो यस गाइस, यू गेस राइट, आई एम ए प्रोफेशनल बेकर और यहाँ मैं अपने 2 kg का बटर स्कॉच केक को फाइनल टच दे रही हूँ। केक बनाना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली है, वैसे ही बनाते बनाते सीख गई और नाउ आई एम ए प्रोफेशनल बेकर। और देखिए आप लोग एक कितना प्यारा केक्स मैंने रेडी किया है, ये आज का ऑर्डर है और उसके बाद मुझे और भी कुछ काम है। आप लोग देखते रहिए, ये केक्स मैंने ऑर्डर के रेडी कर दिए हैं और भी एक्स्ट्रा मैंने बना के रख दिया है। तो आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा दिन भी बहुत बिजी होने जा रहा है। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं केक्स, ये मैंने खुद तैयार किया है। हाँ, मैं प्रोफेशनल बेकर हूँ। ये सब अभी अभी मैंने रेडी किया है, देख लीजिए आप लोग भी। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब अराउंड 10 AM है अभी और मैंने केक्स रेडी कर दिया। उसके बाद और भी बहुत कुछ काम है, आप लोग देखते रहिए। बर्थडे केक, यह ग्लिटर इफेक्ट दिया है हमने और ये है एक 2-story का। बहुत ही प्यारा केक है और ये सिंपल पाइनएप्पल केक, ये भी एक सिंपल पाइनएप्पल केक और ये देखिए, ये सब मैंने 10 AM से पहले सब रेडी कर दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ ब्राइडल मेहंदी वर्क। ये मेहंदी भी मैंने तैयार कर दिया है, ये कोन्स मैं खुद तैयार करती हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ अपने ब्राइड के घर। रेडी होती हूँ मैं, आप लोग भी देखते रहिए, बहुत बिजी डे होने वाला है। और ये ब्राइडल मेहंदी वर्क के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब मैं एक साथ डिसिप्लिन करके एक बॉक्स में पैक कर लेती हूँ और मतलब तब कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छा भी लगता है ऐसे अगर डिसिप्लिन्ड वे में आप जाते हो, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ऑल्सो। एनी वन इफ़ यू नीड कैन कंटेक्ट मी, तो लेट्स गो। और वो जो पास में आपको दिखाई दे रहा है भैरवी बेकरी, ये हमारा केक का स्टॉल है, वहाँ मैं केक्स वहाँ से ही बेचती हूँ, हमारा दुकान है। एंड नाउ आई एम ऑन माई वे टू द ब्राइड्स होम, टू बी ब्राइड्स होम। तो चलो, और फ्रेंड्स मैं क्लाइंट के घर पहुंचते ही मतलब ऐसे वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और उसके बाद मेरे ही एक दीदी थे नीलाक्षीबा, उनको मैंने कह दिया वीडियो रिकॉर्ड करने, तो ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ। यहाँ मैंने एलिफेंट का पैटर्न ड्रॉ कर दिया है और देखिए बहुत ही प्यारा था मेहंदी वर्क। एक्चुअली ब्राइड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था और वहाँ पर जो भी प्रेजेंट थे उनके घर, मतलब माय फ्रेंड्स और दीदी वगैरह, सबको बहुत पसंद आया डिज़ाइन। आप लोग भी देख सकते हैं, ये प्यारा सा छोटो छोटो एलिफेंट्स मैं ड्रॉ कर रही थी। और आगे देखते रहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है, मेहंदी आर्टिस्ट होना एक आसान बात नहीं है।
और गाइस मैं अपने बालों के बारे में भी बता दूँ, वहाँ मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि आपके बाल ऐसे ग्लास शाइन क्यों करते हैं, इतना अच्छा है। तो जिन लोगों को भी मेरे हेयर केयर रेमेडी के बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिए, और भी बहुत मैं वीडियोस देती रहूँगी रिगार्डिंग माय हेयर केयर रेमेडी। देखिए ये मेहंदी मेरा एक हाथ का कंप्लीट हो गया है, दूसरे हाथ भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ एक और आंटी भी मेहंदी लगा रही थी, उन्होंने अपने कज़िन्स और घर के सारे लोगों को लगाने के लिए उनको बुलाया था। आंटी भी बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, फटाफट काम करती है। और देखिए शादी वाला माहौल ही कुछ अच्छा होता है, अलग होता है। और ये देखिए मेरा ब्राइड का फ्रंट साइड, इज़ नॉट इट ग्लोरियस? देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको डिज़ाइन, और मैं कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये है बैक साइड और ये है फ्रंट का व्यू, एकदम प्यारा सा था। तो कैसा लगा मुझे बताएगा आप लोग। हाय फ्रेंड्स, दिन भर के काम ख़त्म करने के बाद अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा रेस्ट। बहुत स्ट्रेसफुल था एक्चुअली, जब भी ब्राइडल मेहंदी का काम होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत आवर्स मतलब 5 आवर्स ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, एकदम थकान सा महसूस हो रहा है मुझे, और आज का वीडियो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ एंड। आगे और बहुत कुछ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ जानना भी है मेरे से तो यू कैन कमेंट। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड नाइट।